अस्सलाम वालेकुम, मैं अनुसार हसन, मैं मोहम्मद, आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल के ताग रहे से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं 30 व्यू तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज चलते हैं वीडियो के, आज की वीडियो प्रशांत धवन सर की है। तो इंडिया में ये ऐसे स्कॉलर हैं जिनको मैं बहुत लाइक करता हूँ। बहुत बर्निंग इशू पर वीडियोज बनाई थी, लेकिन उन्होंने इस तरह इस लहजे में और इस तरह बनाई थी जिस तरह एक न्यूट्रल बंदा, एक पढ़ा लिखा और एक समझदार बंदा वीडियो करता है। मैं उनको बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ यार, उसकी पर्सनली तो, और बहुत बेहतरीन वीडियो बनाते हैं। तो चलते हैं वीडियो के, वीडियो का टाइटल है चाइना फील्स प्राउड दैट इंडिया इज यूजिंग युआन टू ट्रेड विद रशिया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। रशिया जो है चाइना पे कर रहा है रशिया को युआन में, जो करेंसी है चाइना की। तो वे देख लेते हैं जी, देख लेते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही विचित्र दृश्य देखने को मिला, जब चाइना के लोग, चाइना के सरकार के लोग, इनका सरकारी मीडिया सब लोग प्राउड फील कर रहे हैं इस बात को लेकर कि देखा जब रशिया से ट्रेड करने की बात आई, अमेरिकन सैंक्शन से बचने की बात आई, तो इंडियन कंपनीज ने यूज़ करनी स्टार्ट कर दी चाइनीज़ करेंसी। इन्होंने युआन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि युआन एक स्टेबल करेंसी है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है ये। रिसेंटली ऐसी रिपोर्ट्स आई है कि अल्ट्राटेक ने रशिया से कोयला परचेज करने के लिए यूज़ किया है चाइनीज़ करेंसी युआन को। अब ये मैं आपको बता दूं, 25 साल में पहली बार है जब एक इंडियन कंपनी ने इस टाइप की एक ट्रांजेक्शन करी होगी। दिस इज़ वेरी यूनिक। और जैसे ये रिपोर्ट सामने आई, अभी मैं आपको ये बात भी बता दूं कि अल्ट्राटेक ने अपनी तरफ से इस न्यूज़ को कन्फर्म नहीं किया, मे बी शायद इस पर कुछ कन्फर्मेशन दे भी ना, हु नोज। बट सिंस ये न्यूज़ सामने आ गई है, चाइना की सरकार इस न्यूज़ पर कूद चुकी है और दुनिया भर में अपनी करेंसी को प्रमोट कर रही है ये कहकर कि देखो इंडिया भी हमारी करेंसी यूज़ करता है। इवन दो दोनों कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी डिफरेंसेज हैं। अब यहाँ पर आप देख पाओगे ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है, ये लोग कह रहे हैं इंडियन सीमेंट फैक्ट्रीज ट्रेड सेटलमेंट यूजिंग युआन वेलकम्ड। ये यहाँ पर कह रहा है ग्लोबल टाइम्स। उसके अलावा चाइना का जो विदेश मंत्रालय है, वहाँ पे जो इनके बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो भी ट्वीट कर रहे हैं। जी हाँ, चाइना के सरकारी कर्मचारियों को पता नहीं कैसे मगर ट्विटर का एक्सेस मिल जाता है, आम जनता को नहीं मिलता। तो ये यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट है, ये कह रहे हैं कि इंडियन कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट इज रिपोर्टेडली यूजिंग चाइनीज युआन टू सेटल पेमेंट्स विद ए रशियन बिजनेस पार्टनर। Chinese experts are not surprised since yuan has increasingly become a good and reliable alternative to United States dollar. अब यहाँ पे हमको देखना होगा कि पहली बात तो अगर genuinely ऐसा हो रहा है, क्या हमको इसे और प्रमोट करना चाहिए इन द नियर फ्यूचर या फिर नहीं। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हर्मिट, HERMIT, ये वर्ड आजकल बड़ा न्यूज़ में है, बड़े आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि हर्मिट, हर्मिट के बारे में कुछ हमें करना पड़ेगा। तो ये हर्मिट है क्या? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, ये एक मिलिट्री सैटेलाइट है, ये एक यूक्रेन का शहर है, ऑप्शन सी ये एक स्पाईवेयर है, या फिर ऑप्शन डी ये एक मिसाइल है। कमेंट सेक्शन में करो उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। और जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी मैं कमेंट को हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। अब यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन ये है कि वेट, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये लोग सीमेंट बनाते हैं, तो इनको कोल की आवश्यकता पड़ी क्यों? देखो, कोयले की आवश्यकता आपको पड़ती है जब आप सीमेंट बनाते हो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में। और रशिया आज के समय सिंस अपना कोयला यूरोपियन कंट्रीज़ को बेच नहीं पा रहा। उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि कई बड़ी इंडियन कंपनीज़ हैं जिन्होंने ऑल टुगेदर ये भी डिक्लेयर कर दिया कि कोकिंग कोल, जो कोयले का ही एक प्रोडक्ट है जो रशिया पहले एक्सपोर्ट करता था इंडिया को, कई इंडियन कंपनीज़ ने कह दिया कि हम रशिया से ये नहीं परचेज करेंगे क्योंकि रशिया इससे बलवान बनेगा और यूक्रेन पे अटैक लगातार बढ़ता रहेगा। फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप, आपको याद होगा टाटा ग्रुप ने, टाटा स्टील ने ओपनली कह दिया था कि हम रशिया से कोयला नहीं परचेज करेंगे। तो कुछ इंडियन कंपनीज़ हैं जो रशिया से कोयला परचेज कर रही हैं, कुछ परचेज नहीं कर रही। अब कुछ परचेज कर क्यों रही हैं? बहुत ही सिंपल रीज़न है, सिंस यूरोप रशिया का कोयला परचेज नहीं कर रहा, रशियन कोल के प्राइसेस बहुत ज़रा कम हो चुके हैं, चाइना ने रिसेंटली बहुत सारा रशियन कोयला परचेज कर लिया है। मैंने सुना था इन्होंने एक शहर में अलग से एक स्टोरेज फैसिलिटी बना दी है, इतने बड़े स्केल पर ये लोग रशिया का कोल परचेज कर रहे हैं।
तो चाइना तो सेंस रशिया का कोल परचेज कर रहा है, कुछ इंडियन कंपनीज ने भी परचेज किया। प्रॉब्लम देखो यहाँ पर यही आ रही है कि रशिया को पेमेंट कैसे करी जाए। अब यहाँ पे आप कहोगे सीधा रुपी से पेमेंट कर लो। देखो रुपी से पेमेंट तब होगी जब हम दोनों कंट्रीज एग्री करेंगे कि एक दूसरे की करेंसी ना स्टेबल है। अब रुपये आपने देखा होगा 74 के आसपास था, अभी रिसेंटली 90 के आसपास जाने लगा। फिर जाके सरकार ने गोल्ड पर टैक्स बढ़ाया, लोगों को मजबूर किया कि गोल्ड अभी के लिए मत परचेज करो, इंडियन रुपी इंटरनेशनल मार्केट में अभी मत भेजो, उसको इतना खर्चो मत। तो हमने देखा कि रुपी की वैल्यू में वापस थोड़ा सा बाउंस आ गया, रुपी अभी 78 के आसपास आपको झूलता हुआ मिलेगा। मगर कई इकोनॉमिस्ट वार्निंग दे चुके हैं कि जिस तरीके से अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आएगी दुनिया भर में, डॉलर और ज़रा स्ट्रांग होने वाला है, दुनिया भर की बाकी करेंसीज वीक होंगी। अब इस सब में एक चीज़ देखने को ये मिल रही है कि चाइना का युआन कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल है, और उसके अलावा जो रशियन सेलर्स है, ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है, जो रशियन कंपनी सेल कर रही हैं कोल और ऑयल, ये युआन प्रेफर भी कर रही है। ये बात व्लादिमीर पुतिन ने काफी बार कही थी कि मैं डॉलर के बजाय चाइना के साथ एक करेंसी को प्रमोट करना चाहूंगा। ऑफकोर्स इनका ग्रैंड प्लान ये है कि एक ब्रिक्स करेंसी बनाएंगे, मगर वो अभी सिंस बन नहीं रही। तो अभी रशिया पूरा फोकस कर रहा है कि युआन से ही जरातार ये परचेजिंग करे। इसका फायदा रशिया को ये मिलता है, देखो रुपी से रशिया को ज़रा परचेज कर नहीं पाएगा क्योंकि रशिया हमसे ज़्यादा कुछ परचेज करता नहीं है। ठीक है, हम इंडिया से कोई खास स्मार्टफोन जाते नहीं है रशिया में, हम लोग कोई सेमीकंडक्टर चिप नहीं बनाते, चाइना बहुत कुछ बनाता है। आप अगर सोच कर देखो रशियन गवर्नमेंट के पास अगर बिलियंस के युआन पड़े हैं तो वो सोच सकते हैं ऑल राइट ठीक है चाइना से हम बहुत कुछ खरीदते हैं, तो यही युआन हम यूज़ कर लेंगे इनसे ट्रेड करने के लिए, एंड दिस विल वर्क वेल फॉर रशिया। नाउ आप अगर एक बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस सब में कुछ ज़रा प्रॉब्लम है नहीं, मगर इशू यहाँ पर तब आ जाता है जब चाइना हमेशा की तरह इंडिया के हर एक स्टेप को यूज़ करता है अपनी इमेज को और ज़्यादा बड़ा करने में। अब चाइना ने अपने पूरे मीडिया को, अपने सरकारी जो भी इनके ऑफिशियल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सबको ये कह दिया है कि चाइनीज़ करेंसी युआन के बारे में, कि चाइनीज़ करेंसी युआन के बारे में मेंशन करना स्टार्ट कर दो अपनी ट्वीट्स में, अपने आर्टिकल में, कि चाइनीज़ करेंसी आज के समय इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि अब इंटरनेशनलाइजेशन ट्रूली एक रियलिटी बन गई है युआन के लिए। चाइना का सपना है इवेंचुअली कि यूएस डॉलर को ये लोग बिल्कुल रिप्लेस कर देंगे। ऑलरेडी कई कंट्रीज़ के साथ ये लोग जब ट्रेड करते हैं तब डॉलर का इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के साथ जब ट्रेड करता है चाइना तो वहाँ पे डॉलर का यूज़ नहीं होता, यूजुअली वहाँ पे जो भी ट्रेड है वो चाइनीज़ करेंसी युआन में ही होता है। मगर एज इंडियंस हमको यहाँ पर ये भी सोचना होगा कि क्या इससे हम यूएसए को एक सही मैसेज भेज रहे हैं, क्योंकि रशिया से सामान परचेज करना बड़े स्केल पर ऑलरेडी वेस्टर्न कंट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल बना रहा है रिगार्डिंग इंडिया। हमको ये बात एक्सेप्ट करनी होगी, चाहे फ्रांस हो, यूके हो, यूएस हो, कोई भी कंफर्टेबल नहीं है इंडिया की मैसिव परचेजेस से फ्रॉम रशिया। अब ये हम परचेज करें भी अगर चाइना के थ्रू तो ये प्रॉब्लम्स को और ज़रा बढ़ा सकता है परहैप्स इन द नियर फ्यूचर। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप मानते हैं कि इंडियन कंपनीज़ को ठीक है अगर यहाँ पे ऑप्शन मिलती है युआन का यूज़ हम कर सकते हैं तो युआन का यूज़ करके ही परचेजिंग करनी चाहिए फ्रॉम रशिया, या फिर आप मानते हैं कि नहीं इंडियन गवर्नमेंट शुड स्टेप इन, कोई और करेंसी तो होगी यहाँ पर। आई मीन ऐसा नहीं है रशिया सब कुछ युआन से ही परचेज करता है, और भी कई करेंसीज हो सकती हैं, रशिया को हम और ऑप्शन दे सकते हैं, और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि युआन पर कभी भी हमारी एक डिपेंडेंस ना बढ़ जाए। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। ना वापस आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ के हर्मिट, हर्मिट आखिर है क्या? तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल भी नहीं है, सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी स्पाईवेयर। हर्मिट रिसेंटली एक नया स्पाईवेयर सामने आया है जो एप्पल के फोन्स हैं आईफोन्स दोनों को टारगेट कर रहा है, और ये डेटा आराम से चुरा सकता है, स्पाइंग कर सकता है फोन के ऊपर। इट इज क्वाइट डेंजरस एंड इट इज वेरी मच इन न्यूज। तो याद रखिएगा हर्मिट एक स्पाईवेयर है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कॉमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल।
अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PDDEN एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PDDEN एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो जी वीडियो ही ख़त्म। इस बात पर भाई यकूब को तो मैं अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि भाई यकूब ने अरशद आपको याद हो कि याद ना याद हो, लेकिन भाई यकूब ने कहा था कि नेक्स्ट ईरा में, नेक्स्ट कुछ सालों तक या नेक्स्ट कुछ महीनों तक आने वाले वक्त में ये जो होने जा रहा है ना, ये युआन और रशिया जो है, ये अपना चाइना और रशिया मिलकर एक ऐसी करेंसी लाने जा रहे हैं जो कि डॉलर को टक्कर देगी। और इससे पहले भी हमने एक वीडियो पर किया था रिएक्ट के, जो रशिया वो ये चाहता है ये जो ब्रिक्स ममालिक है ये मिलकर उनको एक ऐसी करेंसी बनाई जाए जो कि डॉलर को टक्कर दे सके, जो कि रिप्लेस कर सके। और ये आस्ता आस्ता मेरे ख्याल में ये चीज़ें उसी तरफ बढ़ रही हैं कि ये देख लें कि अब इंडिया की बहुत बड़ी सीमेंट फैक्ट्री की जो है वो युआन में पे कर, और रशिया ने कहा है कि आप युआन में पे करें, वो अपने रबल में भी कह सकते थे लेकिन युआन में उसने क्यों कहा, ये चीज सब मुझे मेरे समझ से बाहर। मैंने एक दिन आपको बोला था कि इंडिया भी मतलब इसमें ना चाइना के पैसे में ही वो जो खरीदेंगे ना, वो रशिया बोलेगा तो वो इसमें ही पेमेंट करेंगे, जिस तरह आज सीमेंट के फैक्ट्री के करने जा रहे हैं। भाई ये तो आपने बोला था ये कभी हो नहीं सकता, इंडिया ऐसा नहीं करेगा। मैंने तुझे बोला था ये मेन मकसद है डॉलर को खत्म करने का, डॉलर को टक्कर देने की। तो आज देख लो कुछ ना कुछ तो सबूत मिला है ना। मेरी तो बात सुनो, जो चाइना की करेंसी है ना वो इस वक्त स्टेबल है वर्ल्ड में, बिल्कुल इतनी गिरी नहीं, इसलिए वो जो इंडिया वाले हैं वो चाइना की करेंसी युआन में पे कर रहे हैं। असल में भाई गुजार ये है, आप देख लो अब हालात किधर जा रहे हैं, बोला था उधर ही जा रहे हैं। ये तो मैं एक आपको बात बताता चलूं, पाकिस्तान के भी मिसाल है, पाकिस्तान के भी है, लेकिन मेरे ख्याल में अब इंडिया के लिए ये मसला ज्यादा बनता जा रहा है, क्योंकि प्रशांत सर ने भी यही कहा कि देखे ये जो इमेज जा रहा है ना यूरोप और अमेरिका और यूके को, ये बहुत बुरा इमेज जा रहा है। इससे पहले भी इंडिया के कुछ कंपनीज, इंडिया के गवर्नमेंट रशिया से ऑयल वगैरह ले रहे थे, जो कि बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा। अब ये रशिया और चाइना, चलो चाइना को छोड़े, रशिया अपनी तरफ खींच रहा है इंडिया को, और यूएसए और बाकी जो कंट्रीज वो अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन अभी तक जो करदार है इंडिया का वो अभी तक न्यूट्रल है। उसका इंडिया की गवर्नमेंट और इंडिया के लोग ये चाहते हैं कि हम हर एक के साथ बना कर रखें, लेकिन मेरे ख्याल में दुनिया का दो पार्ट्स होने जा रहे हैं, ये अनकरीब होगा, बिल्कुल होना है, न्यूट्रल कोई भी नहीं रहने वाला। मेरी जो राय हो सकता गलत हो सकती है, आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो नजरिया काम करता है ना, जो तजिया काम करता है, दुनिया के दो पार्ट जरूर होंगे। सुपर पावर की दौड़ में गुजार एक बात कर लेने थे, ये आप देख ले भी जो चाइना है कितने बड़े लेवल पे कोयला खरीद के उसने स्टार्ट कर लिया, बहुत बड़े लेवल। वो किससे खरीदा है? पूरा शहर में उन्होंने कहा कि वो पूरा शहर वो किससे खरीदा है? रशिया से है ना, उसको कोई परवाह नहीं है। ये कंट्री यूरोप किधर से ले रहे हैं तुझे पता है? कोयला किधर से ले रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से बहुत महंगा पड़ रहा है, ठीक है ना, वो महंगा पड़ रहा है। तो रशिया से उन्होंने किया है, मतलब जो किया है ना मेरा भाई, वो मैं तो कहता हूँ अच्छा नहीं भाई। यूरोप वाले जो है अपने मुल्क के लिए तबाही का एक नमूना बना रहे हैं, बिल्कुल जो रशिया के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, वो मैं तो कहता हूँ पूरा यूरोप तबाह हो जाएगा। और यार आज बंद कर देना टोटल गैस बंद कर दे रशिया, और टोटल अपना ऑयल बंद कर दे, तो ये जो यूरोप की चीखें निकल जानी है ऐसी। नहीं उधर एक कंट्री ऐसी है उसका नाम है जर्मनी, उसने जिस तरह चाइना ने कोयला बहुत बड़े लेवल पे रख ले लिया ना रशिया से, इस तरह रशिया सॉरी जर्मनी ने बहुत बड़े लेवल पे गैस रशिया से ले रखी है। यार गैस का स्टॉक होती है, कहाँ स्टॉक करेंगे आप गैस, कुछ भी स्टॉक कर लेंगे। चलो जितना भी उन्हें बहुत मतलब मेरी तो बात सुने, ये जो यूरोप वाले हैं ये रशिया के साथ नहीं आ सकते? आ सकते, कोई हरज नहीं अगर वो आना चाहते, लेकिन ये नहीं थोड़ा
वजह स्ट्रांग हो जाएगा, जब तक अमेरिका का असर नहीं होगा पूरा यूरोप रशिया के साथ होगा। वो इस तरह भी मिसाल देखता हूँ, इस तरह भी तो हो सकता है। इंडिया और चाइना की मुखालफत भी है, फिर भी देख लो चाइना और इंडिया कितनी तजारत आपस में, इस तरह रशिया के साथ यूरोप भी तजारत कर सकता है, अपनी बात भी करते रहे और तजारत भी करते रहे। बिल्कुल भाई, और जब तक दुनिया में अमेरिका का असर कम हो जाएगा उस वक्त फिर ये जो पूरा यूरोप है ये रशिया के साथ रहेगा। भाई रशिया के, मुझे इतना पता है रशिया को छोड़ने से यूरोप में बहुत महंगाई आ जाएगी। अच्छा बात कहो, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक दिन तो छुरी के नीचे बकरे ने आने ही आना। बकरा कौन है? वो अमेरिका है। सवाल को हर अरूज को, अरूज को रहता हूँ, शुरू से लेके अमेरिका पे अरूज ही है, सवाल जरूर आ रहा है। लेकिन अमेरिका कहता हमारे ऊपर सवाल आने ही नहीं, लेकिन अल्लाह की लाठी बेवाद है, सवाल जरूर आता है भाई। उसकी इकॉनमी बहुत बहुत तकड़ी है, जितनी भी है मेरा भाई, पता नहीं चलेगा, हालात बदलते वक्त पता नहीं चलता मेरा भाई। स्ट्रॉन्ग इकॉनमी, पांच बड़े देशों की अगर आप इकॉनमी इकट्ठी करें तो तब एक अमेरिका की इकॉनमी बनती है भाई। खूब वो मुझे पता है मेरा भाई, अल्लाह ना करे, वो तो मुंबई छोटी सी मिसाल देता, छोटी सी मिसाल। अगर अमेरिका के तीन चार बड़े शहरों में ऐसी तरह तबाही से धमाके हो जाए, क्यों बात का बुरा क्यों सोचते हैं यार? मैं मिसाल, मैं मिसाल भी यार मेरा भाई, हालात बदलते पता नहीं चलता, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करे ना हो। क्यों? जिस तरह अमेरिका नुकसान दे रहा है सभी कंट्री को, मेरी बात अपना दिखा रहा है, अब दुनिया उससे मतलब बहुत तंग आ चुकी है भाई। तीन शहरों में धमाके होंगे ना अमेरिका की, अच्छा समझो कि वर्ल्ड दुनिया खत्म हो जाएगी, उसके बदले में अमेरिका नहीं करेगा, अमेरिका तबाह हो जाएगा। एक मिसाल के तौर पे मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, दुनिया तबाह नहीं हो सकती। ये कहा से तेरी दिमाग काम कर रहा है कि अमेरिका तबाह हो तो दुनिया तबाह हो जाएगी? नहीं, कैसे? ऐसे कभी ना हो सका ना होगा। अच्छा एक दिन अमेरिका ने क्या किया जापान के साथ? जापान को तबाह नहीं कर दिया जब जो है, मेरी तो बात सुनो, अमेरिका तबाह होगा इसका पता नहीं है, जो मुल्क उसको तबाह करेगा वो अमेरिका का उसको कुछ भी नहीं करेगा। अच्छा अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका मेरा भाई बैठ के खाने वाला, शैतान पूरा करने वाला, लड़ाई करने वाला कंट्री नहीं है, पता ही नहीं है वो कंट्री है जो इस वक्त मैं कहता हूँ अमेरिका। लेकिन जितना हाल चल रहा ठीक है, मेरी बात ना मान, लेकिन अमेरिका का वक्त बुरा चल चुका है, हर कंट्री इसके खिलाफ होने जा रही है। अच्छा सुन ले, फैक्ट्स एंड फिगर की बात करें, अमेरिका अगर चार पांच छह बड़े देशों की फौज मिलकर अभी अमेरिका पर अटैक कर देना, तब अमेरिका अगर अकेला भाई उसका अगर अकेला पर भी वो अलहदा है, वो अगर अकेला अमेरिका भी नहीं मारते, अल्लाह भी उसको लाठी बे आवाज है, जो चाहे वो कर सकता है। बात सुने, दुनिया को जिधर से जिधर ले जाना चाहे वो क्या करना, उसके नजदीक कोई अमीर मुल्क, मुझे इतनी बता तू गए खरपति है, दुनिया का अमीर तरीन बंदा तू है। अच्छा बिल गेट्स देख ले, पूरी दुनिया का अमीर बंदा था, नहीं अमीर था ना, था पहले था, आज कितने नंबर पे, आज चौथे के पांचवे नंबर पे चला गया है, उसे क्या हुआ है, क्या हुआ है? अब तो अलग मसला है कि मैं बात नहीं किया, क्यों वो दुनिया के चौथे नंबर पे चला गया? टॉप क्लास जो है बड़ी कंपनी है वो अमेरिका की है भाई। बिल्कुल गुलदार, जितनी मर्जी हो जाए जब तबाही होने लगेगी ना, ये जितना क्यों चाहते हैं अमेरिका की तबाही? मैं चाहता हूँ अमेरिका तबाह हो जाएगा। क्यों? अमेरिका तो हो जाएगा, क्योंकि ये शैतान है, इसने पूरी दुनिया में आग लगाई हुई है, एक एक कंट्री ने। अच्छा। ये किसी भी कंट्री को सकून और अमन का चैन से सकून नहीं लेने दे रहा है। तो ये बात नहीं करता कि अमेरिका तबाह हो, इसका हम किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए भाई। यार मैं ये कह, मैं भी नहीं कहता कि उधर भी जितनी अवाम बासरी मुसलमान, दुनिया की हर दुनिया के बंदा उधर है, मैं नहीं चाहता उनका, बात तो सुन ले। अच्छा मैं कहता हूँ अवाम पूरी दुनिया की उधर है, लेकिन मैं नहीं चाहता उनका कोई नुकसान हो, लेकिन अमेरिका शैतान है, अमेरिका किसी कंट्री को अमन से रहने नहीं देता भाई, खुद तो जाता है किसी के कंधे पे रख के जाता है। जवाब दे, अगर आज आपको अमेरिका का वीजा मिल जाए क्या आप लेंगे? मैं लानत भेजूंगा, सौ बार लानत भेजूंगा, खुदा की कसम, आप इधर से, मैं अपने रब की जात की कसम उठा के कहता हूँ, मैं लानत भेजूंगा उस वीजे पे, मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा, मैं बांग्लादेश चला जाऊंगा, नहीं मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा सारी जिंदगी में, ऐसी कंट्री में नहीं जाऊंगा जो शैतान है। किसी के मुल्क के बारे में गलत नहीं सोचना, मैं भी बेशक गलत हूँ, मैं बेशक भाई इंसानियत बात करने की, मैं बेशक गलत, मुझे गलत समझ लो,
तुम तो लेकिन मैं कहता हूँ अमेरिका किसी कंट्री को अमन से नहीं रहने। चलो जी यह तो भाई यकूब की अपनी राय थी, लेकिन मेरी अपनी लेकिन मैं चाहता हूँ किसी भी मुल्क का नाम किसी इंसान का बुरा चाहता हूँ और ना ही सोचना चाहिए। यकूब उधर भी इंसान बसते हो, मुसलमान भी बहुत। मैं क्या कह रहा हूँ, दूसरी बात यह है कि हमें किसी का बुरा नहीं चलना सोचना चाहिए, ना किसी के बारे में बुरे गुमान रखना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए। आपकी कंट्री को वो तोड़ रहे हैं, आपकी कंट्री का वो नुकसान कर रहे हैं, आप उसके बारे में। और हर एक को और हर एक को हक है तरक्की करने का, हर एक को हक है अपने राय रख के राय इस्तेमाल करने का, हर एक को हक है। तो हमारी भी तो राय है, हम भी तो बात कर सकते हैं, तो ये तभी मुमकिन होगा। और ये बहुत बड़ा है कि समझे इवेंट था, ये बहुत बड़ा है कि स्टेप था कि इंडिया ने युआन में पे किया है रशिया को। और मेरे ख्याल में आप ही राय का, आप अपनी राय का, ये पहला स्टेप है, अमेरिका की आप एक लुच तलने शुरू कर दे बात करने का, मुझे हक है मेरा भाई। ये पहला स्टेप है अमेरिका के, जो डॉलर है डॉलर उसको खत्म करने का, उसको नीचे दिखाने का। असल में बात ये है, ये नीचे दिखाने का पहला स्टेप है। हमारे व्यूवर्स इस चीज अपना कमेंट्स जरूर बताइएगा कमेंट्स में, और अपने राय जरूर दीजिएगा क्या अमेरिका के डॉलर को काउंटर करने के लिए एशिया ममालिक जैसा कि रशिया, जैसा कि अपना चाइना, जैसा कि इंडिया और इंडिया को अपनी करेंसी बनानी चाहिए। अगर बनानी चाहिए तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।